वेलकम बैक, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों, आज हो गया 17 जनवरी, दिन रविवार। तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं, जिसमें सबसे पहले बताएंगे कि बिहार में कितना लोगों को पहले दिन में लगा कोरोना का टीका। उसके बाद आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति से शिकायत करने की नीतीश कुमार को दी चेतावनी। फिर हम आपको राज्य में निकली डाटा ऑपरेटर की नई बहाली के बारे में बताएंगे। फिर बड़ी खबर बताएंगे, बिहार में बुकिंग के 45 मिनट के अंदर पहुंचेगा एलपीजी सिलेंडर। फिर आपको बताएंगे राज्य में लगने वाले प्रीपेड बिजली मीटर के बारे में। साथ ही आपको बड़ी खबर बताएंगे, राज्य में निकलने वाले कोई भी बहाली में अब महिला को 35% आरक्षण दी जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी राजेश यादव आरजेडी में हुए शामिल। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को लिखा खत। साथ ही आपको बताएंगे कि एमबीए का छात्र कम समय में करोड़पति बनने के लिए क्या किया। फिर बड़ी खबर बताएंगे, नीतीश सरकार ने किसको नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिहार में अब ट्रांसजेंडर भी बनेंगे दारोगा। और अंत में बड़ी खबर आपको बताएंगे, बिहार में वार्ड सदस्य के लिए भी ईवीएम पर पड़ेंगे वोट। तो हमेशा की तरह फटाफट से आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। सबसे पहले खबर, बिहार में पहले दिन 301 केंद्रों पर 18,122 लोगों को लगा कोरोना का टीका। जी हां, बिहार में पहले दिन 301 टीकाकरण केंद्रों पर 18,122 व्यक्तियों को कोरोना टीका लगा। IGIMS पटना परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की। पहला टीका IGIMS के सफाई कर्मी राम बाबू को दिया गया। इसके साथ ही राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से बिहार में टीकाकरण की शुरुआत हुई है। देश की तरह बिहार में भी कोरोना टीकाकरण की पूरी तैयारी की गई है। सफाई कर्मी के टीका लगने के बाद एम्बुलेंस चालक अमित कुमार, लैब टेक्नीशियन सोनू पंडित, डॉक्टर सनंत कुमार एवं करणवीर सिंह राठौर को टीका लगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने टीका लगवाने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बड़ी खबर, तेजस्वी ने सीएम नीतीश को लिखा खत, कहा भयमुक्त बिहार बनाइए वरना जनता माफ नहीं करेगी। जी हां, बिहार में तेजी से बढ़ते क्राइम के ग्राफ को देखते हुए विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। बीते दिनों पटना में हुए रुपेश हत्याकांड के बाद से सियासी गलियारे में सियासी घमासान काफी तेज हो गई है। वहीं कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहार में क्राइम कंट्रोल करवाने की अपील की है। आपको बता दें कि अपने पत्र में तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर खूब निशाना साधा है। तेजस्वी ने लिखा है कि बिहार में क्राइम कंट्रोल करने के लिए विपक्ष उनका पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। इसके बाद बड़ी खबर, तेजस्वी ने दिया एक माह का अल्टीमेटम, क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ तो विधायक संघ करेंगे दिल्ली कूच। जी हां, बिहार के राजधानी पटना में इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी रुपेश सिंह की हत्या के बाद कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अब कहा है कि राज्य में बढ़ते अपराध नियंत्रित नहीं हुए तो महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों के सभी विधायक दिल्ली में कूच करेंगे। इधर तेजस्वी ने नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर सरकार के खिलाफ कामकाज पर सवाल भी खड़े किए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि एक महीने के अंदर अगर बिहार की कानून व्यवस्था नहीं सुधरी तो महागठबंधन में शामिल दलों के सभी विधायक दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली जाकर महागठबंधन के नेता राष्ट्रपति से मिलेंगे और बिहार सरकार की शिकायत करेंगे। महागठबंधन के नेता राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें बिहार की जमीनी हकीकत बताएंगे। बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे, 3 दिन तक राहत के आसार नहीं। जी हां, शुष्क मौसम और कोहरे और तेज बर्फीली हवाओं ने मुजफ्फरपुर सहित बिहार के सभी हिस्सों में मौसम को सर्द बना दिया है। मुजफ्फरपुर में ठंड ने पिछले 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक सर्द लहर 3 दिन जारी रहेगा। इस दौरान अधिकतम के साथ ही न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज होगी। यदि पहाड़ों पर बर्फबारी में तेज आई और देश के उत्तरी हिस्से में मौसम शुष्क बना
बना रहा तो जनवरी के आखिर में दिसंबर जैसी ठंड का एहसास होगा। बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोन सर्किल का सिस्टम बना हुआ है, इसके प्रभाव से बिहार के उत्तरी हिस्से में कहीं कहीं बादल भी छाए हुए हैं। बड़ी खबर, रोजगार पर एक्शन में नीतीश सरकार, हर अंचल में डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली प्रक्रिया शुरू। जी हां, बिहार में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, वहीं सरकार भी अब इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। पिछले कैबिनेट बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3883 पदों पर नियुक्ति की हरी झंडी मिलने के बाद अब विभाग ने कर्मचारी चयन आयोग को अधियोजना भेजने की तैयारी शुरू कर ली है। जिन पदों पर बहाली की जाएगी उनमें अधिकतर पद डाटा एंट्री ऑपरेटर के हैं। इसके अलावा एक पद सिस्टम एनालिस्ट का भी है जो नए वेतनमान में लेवल 11 का है। इन पदों के अलावा प्रोग्रामर के भी 5 पदों पर बहाली होगी, यह नए वेतन में लेवल 8 के होंगे। इसके अलावा जिला व अनुमंडल स्तर के राजस्व कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 139 पदों पर बहाली की जाएगी। बिहार में बुकिंग के 45 मिनट के अंदर पहुंचेगा एलपीजी सिलेंडर, जानिए कब से शुरू होगी ये सेवा। जी हां, आने वाले कुछ माह में एलपीजी सिलेंडर बुकिंग करने के बाद उपभोक्ताओं के घर 40 से 45 मिनट के अंदर सिलेंडर पहुंच जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तुरंत एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने की शुरुआत करने की योजना बना रहा है। उम्मीद है कि यह योजना फरवरी माह में शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि कंपनी सूबे में लगभग 88,57,000 घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान कर रही है। इनमें अकेले पटना में 8,57,000 ग्राहक शामिल है। कार्यालयों में शीर्ष पदों पर 35% महिलाओं की होगी तैनाती, सभी विभागों को भेजा गया। जी हां, बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों में शीर्ष पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की शुरुआत अभी से ही हो जाएगी। सरकारी नौकरियों में मिले 35% आरक्षण के अनुरूप यह लक्ष्य तय किया गया है। 7 निश्चय पार्ट 2 के अधीन सशक्त महिला सक्षम महिला योजना को धरातल पर उतारने के लिए सामान्य प्रशासन ने सभी विभागों के प्रमुख के साथ प्रमंडलीय आयुक्त डीएम रेंज आईजी डीआईजी और एसपी से इस बाबत पत्र भेजा है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य की सेवाओं में सभी स्तर और सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्गों की महिलाओं को 35% 36 आरक्षण दिया गया है, लेकिन विभाग में महिलाओं की संख्या इससे काफी कम है, जिसको भरने का निर्देश बिहार सरकार ने दिया है। बिहार में अब ट्रांसजेंडर भी बनेंगे दारोगा और सब इंस्पेक्टर, होगी सीधी बहाली। जी हां, बिहार में अब पुलिस में किन्नरों की बहाली होगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने संकल्प जारी कर दिया है। बिहार पुलिस में किन्नर या ट्रांसजेंडर समुदाय की बहाली का रास्ता अब पूरी तरीके से साफ हो गया है। बिहार पुलिस में सिपाही और अवर निरीक्षक के पदों पर किन्नरों की सीधी नियुक्ति होगी। गृह विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। सिपाही संवर्ग के लिए नियुक्ति का अधिकार पुलिस अधीक्षक, जबकि अवर निरीक्षक के लिए नियुक्ति का अधिकार पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी के पास होगा। सिपाही एवं पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में प्रत्येक 500 विज्ञापित पदों पर एक पद ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षित किया गया है। बिहार में वार्ड सदस्य के लिए भी ईवीएम पर पड़ेंगे वोट, सीएम से मिली मंजूरी। जी हां, अब बिहार में वार्ड सदस्य के लिए भी ईवीएम से वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को इससे जुड़ी तैयारी पूरी करने को लिखित सहमति भेज दी गई है। बता दें कि मार्च से मई के बीच प्रस्तावित पंचायत चुनाव ईवीएम से होगा। विभाग से मिली इस सहमति के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम की खरीद से जुड़ा प्रस्ताव तैयार कर पंचायती राज विभाग को सौंपेगी। प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव का सीएम ने किया शुभारंभ। जी हां, जमुई के नागी नकटी जलाशय में कल राज्य के पहले पक्षी महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इसमें देश भर के प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इसके साथ साथ 20 लाख की लागत से निर्मित आधुनिक संचेतन केंद्र का भी उन्होंने उद्घाटन किया। इसके साथ ही साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के अलावा पक्षी गाँव का भ्रमण, नौका विहार तथा वर्ड वॉचिंग का कार्यक्रम भी शुरुआत किया गया।
बड़ी खबर, नीतीश सरकार ने साइकिल गर्ल ज्योति को बनाया नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। कोरोना संकट के कारण बुलाए गए लॉकडाउन की त्रासदी में अपने बीमार पिता को साइकिल से गुरुग्राम से दरभंगा लाने वाली साइकिल गर्ल ज्योति को समाज कल्याण विभाग ने, भारत सरकार ने नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पटना से सामाजिक सुरक्षा के निदेशक, दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के बुनियादी केंद्र पहुंच ज्योति पासवान को 50,000 की आर्थिक मदद करते हुए भी चेक दिया गया। इसके साथ ही पढ़ाई के लिए एक स्मार्टफोन भी दिया गया। इसके साथ ही ज्योति के पिता मोहन पासवान को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि ज्योति युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। MBA का छात्र कम समय में करोड़पति बनने के लिए बेचने लगा शराब, उसके पास से मिला 21 लाख का दारू। जहां लाखों रुपए खर्च कर एक युवक MBA किया, लेकिन वह जल्द ही करोड़पति बनना चाहता था। उसने पोल्ट्री फार्म का कारोबार शुरू किया, लेकिन इसमें नुकसान हुआ, जिसके बाद उसने शराब बेचना शुरू कर दिया। MBA का छात्र अतुल कुमार शराब तस्करों के बीच फेमस हो गया। वैशाली के शराब तस्करों से जुड़ा वह शराब तस्करी का मास्टरमाइंड बन गया। जब पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इसका खुलासा हुआ। उसने शराब तस्करों की कई गिरोह का भी खुलासा किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बारे में पत्रकार नगर के पुलिस ने बताया कि महात्मा गांधी नगर काटी के रोड में 21 लाख रुपए के शराब के साथ अतुल को पकड़ा गया है। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी राजेश यादव RJD में हुए शामिल, तेजस्वी ने दिलाई सदस्यता। जी हां, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कोषाध्यक्ष और उपेंद्र कुशवाहा के बेहद करीबी राजेश यादव ने आखिरकार RJD में शामिल हो गए। राजेश यादव के तेजस्वी यादव ने राजद की सदस्यता दिलाई। बता दें कि राजेश यादव विधानसभा चुनाव के बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे थे। पिछले दिनों राजेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। उसके बाद से ही यह माना जा रहा था कि वह उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ सकते हैं। आखिरकार राजेश यादव ने उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है और कल वह 10 बजे सर्कुलर स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पहुंचकर सदस्यता ग्रहण की। बिहार विधान परिषद जाएंगे शाहनवाज हुसैन, BJP ने बनाया अपना उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा परिषद की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए एक प्रत्याशी का नाम ऐलान कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन को BJP ने अपना उम्मीदवार बनाया है। BJP के दिग्गज नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी और विजय नारायण झा के इस्तीफा देने के बाद से बिहार विधान परिषद की 2 सीटें खाली हुई है। सुशील मोदी अब राज्यसभा जा चुके हैं। वहीं पिछले साल हुए चुनाव में जीत हासिल कर विनोद नारायण झा विधायक बनकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। और अंत की बड़ी खबर, 24 को होगी होमगार्ड सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा। जी हां, होमगार्ड सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 24 जनवरी को होने वाली है। परीक्षा का आयोजन पूरे राज्य में केंद्रीय चयन परिषद की ओर से की जा रही है। कुछ जिलों में परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया गया है। परीक्षार्थी अपना रोल नंबर और परीक्षा केंद्र की सूची परिषद की वेबसाइट से अपलोड कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार रोहतास जिले के 3 सेंटर DAV स्कूल, हंसराज नगर, श्री शंकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तकिया और SSP जैन कॉलेज के सेंटर पर केंद्र में आंशिक बदलाव किया गया है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि हिंदुस्तान का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।